चेक कर रहे हैं पापा, ये खाता है नहीं कि इसे खाने की खुशबू आती है नहीं आती है। हम छोड़ दो अब, इसका खाना यहाँ पर है। अब ये देखने वाली बात है, ए देख तुरंत उड़ा है एकदम से। हे गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए दिन, एक और नई जर्नी। तो नहा धो के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। थोड़ा सा मैक्स के साथ खेल रहा था, बट अभी मैंने तो मेरा दोस्त है सचिन, उसको मैंने मैसेज किया था कि चल पबजी खेलते हैं, बट उसको तो कोचिंग जाना है, इतनी गर्मी है भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर में कोचिंग जाना ही अपने में बड़ी बात है। मैं इस चीज़ से बच गया, कोचिंग नहीं जा पा रहा, तो मैंने तो मस्त एसी ऑन कर दिया है, मस्त सोऊंगा अभी, सो के उठूंगा, फिर पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो मेरा वेट कर रही है, मेरी दोस्त वेट कर रही होगी उसके साथ में, क्योंकि अभी 5 दिन बाद एग्ज़ाम है, और मैंने उससे बोल दिया कि साथ में चलो पढ़ेंगे हम लोग। तो कल भी हमारा ऐसी बात हुई थी, उसके बाद में सिर्फ 1 या 2 घंटे कर पाए थे, थोड़ी सी तीखी मीखी बहस हो गई थी उसकी और मेरी, बट फिर लास्ट में हम लोगों की हो गई पढ़ाई। तो इतना आलस आ रहा है ना मुझे, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ मैं, फिर शाम को पता नहीं मेरे को, अब शाम का देखता हूँ क्या करूँगा मैं, तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, बट अभी सो जाता हूँ, क्योंकि मैं जगने के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगा, उसके बाद मस्त 1-2 घंटे पढ़ सकता हूँ। वैसे तो 1 घंटे पढ़ते ही ऐसा लगता है बस अब नहीं होगा, तो वो जो अब नहीं होगा ना, उसे खींचने का ट्राई करना पड़ेगा, एग्जाम आ गए तो। इसकी ज़िंदगी है सबसे बढ़िया, मस्त खाना खाओ, उठो, कोई स्कूल की टेंशन नहीं, कोई कॉलेज की टेंशन नहीं, कोई जॉब की टेंशन नहीं, पैसे कमाने की टेंशन नहीं, जहाँ चाहे वहाँ पे हक दो, जहाँ चाहे वहाँ सूसू कर दो, पहुँचने वाले तो बैठे ही हैं हमारे भाई, तो मस्त खेल लो, जो करना है वो करो, खाओ पियो फिर पड़ जाओ, ऐसे ही मस्त एसी वाला रूम मिलता है इसको, बेस्ट लाइफ, बेस्ट लाइफ। बेटा बड़ा हो जाएगा तेरे, कहीं जॉब लगवा दूंगा, कहीं जॉब, पैसे कमा के लेके आइयो, तू भी पैसे कमा के लेके आइयो, तो मेहनत करियो, सरकारी जॉब लगेगी तेरी, फिर तेरे को सुंदर बीवी मिलेगी एक। तो सुंदर बीवी के नाम पे जगह कैसे, तू सो रहा था ना अभी, अभी से हरामी है तू। व्लॉग अपलोड करने वाला था, बट अभी यार क्या है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे सारे व्लॉग्स 4K में होते हैं ना, तो मेरा जो फ़ोन है वो 256 GB वाला है, बट वो पूरा भर चुका है इस समय, तो मैंने इसमें डाल दिया, बट मेरे ख्याल से मैकबुक भी कब तक यार इतना झेल लेगा, इसके लिए हार्ड डिस्क लानी पड़ेगी, क्योंकि 4K में वीडियो अपलोड होती है तो कम से कम नहीं तो 30-35 GB की जाती है सीधे एक वीडियो, और अब ऐसा तो है नहीं मैं कि डालता जाऊँ और यहाँ से वीडियो डिलीट करता जाऊँ, तो मुझे एक स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हार्ड डिस्क मंगाऊंगा, हार्ड डिस्क लेके आनी पड़ेगी 1 या 2 TB वाली, तो शायद मे बी उस हार्ड डिस्क से थोड़ा, अब मे बी क्या, वो तो हो ही जाएगा फिर, तो मैं सारा लैपी का सारा मैकबुक का सारा स्टोर उसमें डाल दिया करूँगा डाटा, और मोबाइल का भी डायरेक्ट उसी में कर दिया करूँ, फिर मैं ऐसा क्या करूँगा, फिर मैं लैपटॉप में, फिर इसमें मैकबुक में डाल ही नहीं करूँगा फिर मैं, क्योंकि मोबाइल से डायरेक्ट हार्ड डिस्क में डाल दिया और हार्ड डिस्क के थ्रू पे अपलोड कर दिया, तो वो झंझट बच जाएगा, और जो वैसे वैसे कुछ फोटोज है इंपॉर्टेंट वो मैं मैकबुक पर अंदर शेयर कर दूँगा एयर ड्रॉप्स। इसका प्लान है, अपलोड पर लगा दूँगा और सो जाऊँगा, जब तक जगूँगा सब प्रोसेसिंग HD वर्ज़न वगैरह सब हो गए होंगे, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि मैं डाल तो देता हूँ वीडियो, फिर आधा 1 घंटे बाद में HD वर्ज़न आता है इसका, क्योंकि एक दिन मैंने रात में कर दी थी तो सुबह तक मेरे को मिल गया था HD वर्ज़न, तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैक्स आ गया है, और ये रात में भाई क्या करेगा मैकबुक के ऊपर कुछ ख़राब ना कर दे इस चक्कर में, तो मैं अब दिन में ही अब सुबह ही अपलोड करके डालने लगा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम डिले हो गया मेरा, पहले तो 9 बजे तक आ जाती थी वीडियो, अब मैं थोड़ा सा दिन या शाम तक आ जाती है, बट मेरा जो मैंने जो बोला था कि मैं डेली डालूंगा वो चीज़ मैं बिल्कुल स्किपिंग करने वाला हूँ, वो बिल्कुल डालूंगा उसके अंदर, तो अभी मैं डाल देता हूँ, सो जाता हूँ 1-2 घंटे में उठ जाऊँगा, फिर पढ़ने बैठूँगा, जब तक तो सब काम हो गया होगा, तो मे भी 4 या 5 बजे तक वीडियो लाइव हो जाएगी। सैटरडे है तो मम्मी और मैं जा रहे हैं जरा शनिदेव मंदिर, क्योंकि हर सैटरडे जाते हैं, तो 8:30 हो गए फिर भी इतनी भीड़ है मंदिर में कि मम्मी और मेरे को वेट करना पड़ रहा है बाहर, इतना सही जगह पे बना रखा है, चलती रोड है, दिक्कत तो आती है, बट हिम्मत है अभी जाने की इसके अंदर पता है अभी आप जाओगी तो ऐसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जैसे ये लोग पीछे तक खड़े हैं, चक्कर में अंदर नहीं जाता, मम्मी जाती है अंदर, मैं तो बाहर के हाथ जोड़ देता हूँ, इतनी भीड़ होती है, खड़े होने की जगह नहीं होती उसमें। मंदिर गए थे और अनएक्सपेक्टेड मम्मी ने शॉपिंग करने के लिए ले गई मुझे, बताया नहीं मैं कहूँ कि मम्मी इतनी उतावली कैसे हो रही है आज मंदिर जाने के लिए अभी पता चल, सामान ले गया, पार्टी हो गई, आइसक्रीम ही आइसक्रीम हो गई हम 4 जने और आइसक्रीम इतनी सारी, मम्मी ऐसा क्यों, क्योंकि मैं एक रावा सबसे ज्यादा खाता हूं आप ऐसा क्यों करती यार, ये बात नहीं बोलनी थी, ये 4 बच्चों के बराबर होता है नहीं, बस थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ी सी गलत धारणाएं बना दी है,
मतलब बच्चा है, तू मुझे मिस कर रहा था ना, हम लोग चले गए थे तो तू सो गया वेट करते करते। अंधेरे में सो रहा है। सो रहा था तू? वेट कर रहा था, कहाँ चले गए सब लोग? क्या हुआ, क्या हुआ तो बाबू? आप हम नाक में से बिना पंखे की गर्मी में सो रहा है, वो सोएगा ऐसी कमरे में? बंद कर दिया तो कितना परेशान हो गया था। अभी जस्ट पीछे हमें ये देखना है रात कैसे बजा रहे, देख रही है क्या? ये आज मारे गए, इसे भगाओ यार, नीचे मैं ही सोता हूँ। इसने हिलाया मेरे, उसके उस बेचारे को बर्तन को हिला देते हैं, भगता हुआ जाता है, सोते हुए उठ के भगता है। ये चल रही है चेकिंग, हमेशा यही होता है, मम्मी लेके आती है दीदी का मुंह बन जाता है। वैसे ऐसा ही होता है, जब दीदी लेके आती है तो मम्मी का मुंह बन जाता है। ए, दीदी तो लेके जाओ ना इसे, दीदी ले जाओ ना, दीदी ले जाओ, कर रहा है वो, कर देगा। सुसु पॉटी टाइम, सुसु पॉटी टाइम, मैक्स का सुसु पॉटी टाइम। सिम्बा की तरह ले जाते हैं इसे, जाएगा ही पैर तो जाती फिर। शुशु पॉटी टाइम मैक्स का, थोड़ी देर ऐसे करेगा और अभी शुरू कर देगा। माहौल देखता है, अपना माहौल बनाता है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आज कुछ था नहीं ज़्यादा करने को, तो बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल नॉर्मल दिन गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you.